देहरादून से है करण महारा के बयान से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस में बयान को लेकर वार पलटवार हो रहा है। नारी शक्ति के लिए अभद्र भाषा अपमानजनक है, ये बीजेपी का कहना है। कांग्रेस संगठन को कार्रवाई करनी चाहिए, मधु भट्ट ने यह बयान दिया। बीजेपी के हमले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष महारा ने कहा है, गर्लफ्रेंड शब्द में गलत क्या है बताइए। अंकिता केस में बीजेपी के लोग बाहर नहीं आए, ये महारा ने कहा। करण महारा ने यह कटाक्ष किया है, अपने नेताओं को लेकर एक बयान से सुर्खियों में है करण महारा। बीजेपी और कांग्रेस में एक बयान को लेकर वार पलटवार हो रहा है, जिस पर करण महारा का साफ सीधे तौर पर कहना है कि गर्लफ्रेंड शब्द में आपत्ति क्या है, ये किस तरह से अभद्र भाषा हो गई, जरा पहले ये बताइए। तो उधर मधु भट्ट बीजेपी की नेता का ये कहना है कि कांग्रेस संगठन को इस पूरे मामले में कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए इस तरह के शब्द अपमानजनक है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आपत्तिजनक है। माँ भगवती माँ काली का स्थान है, यहाँ पर संपूर्ण देवता यहाँ पर वास करते हैं। उस देवभूमि में इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग नारी शक्ति के लिए बहुत ही अपमानजनक है। मैं इसका इस शब्द की उनके लिए मैं बहुत निंदा करती हूँ। और मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की गरिमा है, उसका लगातार माखौल सा उड़ाते हुए प्रतीत होते हैं। मैं आपके माध्यम से उनको संदेश देना चाहता हूँ, गर्लफ्रेंड शब्द में क्या गलत है मुझे बताएं। क्या गर्लफ्रेंड शब्द में कोई गलती है? कृष्ण सहेली कहते थे, सखा कहते थे द्रौपदी को, क्या गलत है? अगर किसी व्यक्ति की कोई लड़की फ्रेंड है, दोस्त है, तो गर्लफ्रेंड ही होती है ना। और मेरे वक्तव्य का क्यों हवाला दे रहे हैं? आपकी सरकार के रहते हुए रिपोर्ट आ रही है कि 4331 महिलाओं के संग उत्पीड़न के केस दर्ज हुए हैं। प्रत्येक दिन उत्तराखंड में एक महिला का रेप हो रहा है। आपको ये कहने का अधिकार कहां से मिल गया? मैं आपके माध्यम से। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।